गोवा जैन मंडल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गोवा के जैन समाज के समस्त परिवारों को एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे अपने घरों में जो बच्चे हैं वे अनुभव से और हमें देखकर चीजें सीखेंगे। अगर हम भगवान के तत्वों को उनके मन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें भी व्यवहार करते समय, परिवार के अंदर रहते समय, परिवार में व्यवहार करते समय, समाज में रहते समय, समाज में व्यवहार करते समय, हमें भी इस प्रकार की अहिंसा का पालन दिल से मन से करने की आवश्यकता है। तब जाकर हमारे अगली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन भी प्रभु महावीर के इन सिद्धांतों को समझ पाएगी और सिर्फ समझेगी नहीं, अपने जीवन में अमल कर पाएगी। हमारी भारत की संस्कृति जो पूरे विश्व को एक कुटुंब का दर्जा देती है, परिवार का दर्जा मानती है, ऐसे समय में हमारे भारत के महापुरुषों की जरूरत केवल मात्र भारत में नहीं पूरे विश्व को है। भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत की जरूरत पूरे विश्व को है। मूल्यवर्धन नाम का यह करिकुलम पिछले 3 साल से चल रहा है। गोवा की आपकी अभी अपनी सरकार, जब इन्होंने भारतीय जैन संगठन के करिकुलम को देखा, मूल्यवर्धन को, भारतीय जैन संगठन के मूल्यवर्धन के टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा, फास्ट लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग विद फन एंड फ्लोरा, हंसी मजाक में खेलते खेलते अगर हम एक्टिविटी करते हुए बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, ये प्रिंसिपल पर जब गोवा सरकार ने देखी कि मूल्यवर्धन इस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो गोवा सरकार ने इस देश में पहली बार शिक्षा जगत में गोवा सरकार ने पहला कदम उठाया। मित्रों, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं इस बात के लिए कि उन्होंने भारतीय जैन संगठन के मुख्य कार्यालय पुणे में अपनी एक स्पेशल टीम भेजी, एक्सपर्ट कमिटी भेजी यहां से पुणे में भारतीय जैन संगठन के मुख्य कार्यालय में, और 5वीं कक्षा तक ये वाला मूल्यवर्धन के कार्यक्रम के बाद 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक हम सिविक एजुकेशन कैसे दे सकते हैं हमारे यहाँ के गोवा के समस्त विद्यार्थियों को, ये बात यहाँ की सरकार के मन में थी और सिविक एजुकेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 10 का करिकुलम भी तैयार करने का काम गोवा सरकार ने जैन समाज की संस्था भारतीय जैन संगठन के सुपुर्द किया। ये गौरव की बात है हम सबके लिए। सगळ्यां पहिली हांव आज महावीर जयंतीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, आनी गोंयांत रावपी सगळेच जैन समाजाचे भाव भयणां सदतीत गोंयच्या कंट्रिब्युशनाक सदतीत मदत केल्ली आसा। कांय जैन समाज लोक जे आसात, कांय आमच्या बिफोर लिबरेशन गोंयांत पावले, कांय लिबरेशन जातकच पावले, आनी गोंया भितर वेगवेगळ्या भागा भितर म्हज्या म्हायती प्रमाण जैन समाजाचे साखळी कुंड्या भितर हांवें जुने मंदीर आसत हें जें आसा सुरवाती पसून अशें आसा, त्यामुळे जैन समाजाचें एक वेगळें नातें हें गोंया बरोबरूय आसा। आमी पळयतात की जैन समाज हो बारीक जरी समाज आसलो आसत जाल्यार आज देशाच्या सगळ्या हाच्या भितर एज्युकेशन क्षेत्र आसतलें, राजकीय क्षेत्र आसतलें, सामाजीक क्षेत्र आसतलें, ह्या प्रत्येक क्षेत्रा भितर जैन समाजाचें कंट्रिब्युशन आसा। म्हणजे जें कितें आमी करतात तें कायद्यान जर केलें जाल्यार तातूंतल्यान एक सॅटिस्फॅक्शन आसता, हें तत्व जें आसा हें आमकां महावीरान त्या वेळाचेर तत्व दिलें, तें आज आमी जर सगळ्यांनी आत्मसात जर केलें आसत जाल्यार आमी कोणाकूच भिवपाची गरज ना। सब्सक्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल एंड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स।